दोस्तों, अनगलो रसोई की रंगत में हम बना रहे हैं सुखड़ी गोड़ पापड़ी। तो उसके लिए मैंने ऐसे 3 बड़ा चम्मच घी लिया है और उसमें जितना आटा मिक्स होगा इतना आटा मिक्स करेंगे, गेहूं का आटा हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बड़ा चम्मच घी लिया था और फिर मैंने 2 स्कूप गेहूं का रोटी वाला आटा डाला। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा कम लग रहा है घी, तो 1 चम्मच और डालूंगी मैं। और मिक्स करेंगे। दोस्तों, अनगलो रसोई की रंगत में हम सुखड़ी या गोड़ पापड़ी बना रहे। इसके लिए मैंने ऐसी 1 कटोरी गेहूं का रोटी वाला आटा लिया है और 1 कटोरी देसी घी लिया है। और दोनों को पहले घी गर्म हो गया, मैंने उसमें गेहूं का आटा डाला और अब मैं उसको सेक रही हूँ। इसमें गुड़, घी और गेहूं का आटे का माप एक ही रखना है, 1-1 कटोरी। तो जब ये आटा सेक जाएगा और उसकी खुशबू आने लगी तब हम 1 कटोरी गुड़ उसमें डालेंगे। आटा सिक गया है, अब हम इसमें लगभग 1/2 कटोरी जितना गुड़ डालेंगे। ये मटेरियल का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि इस प्रकार घी और आटा का मिश्रण होना चाहिए। ज़्यादा घी भी नहीं दिखना चाहिए और ज़्यादा आटा कोरा भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 से थोड़ा ज़्यादा गुड़ लिया है, क्योंकि जो आटा है वो भी फुल कटोरी नहीं था, थोड़ा कम था। तो उसके तीनों सही एक मात्रा में होना चाहिए। 1 कटोरी अगर आप बना रहे सुखड़ी तो 1 कटोरी आपका गेहूं का आटा, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी गुड़। गुड़ को छोटे छोटे बारीक भुका करके डालना। दोस्तों, आप देख सकते हो गुड़ सब पिघल गया है। अब मैंने एक थाली में घी लगा के तैयार किया है। अब ये गरम मिश्रण उसमें डालेंगे और दबा के उसको टाइट कर देंगे। अनगलो रसोई की रंगत में हमने आज सुखड़ी बनाया, उसको गोड़ पापड़ी भी बोलते हैं गुजरात में। और ये खाने में अच्छा रहता है क्योंकि इसमें घी देसी लगता है और गुड़ है तो ये पौष्टिक भी है। तो ये आयरन और फैट और सब प्रकार के मिनरल्स, क्योंकि गुड़ की वजह से, और गेहूं का कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड है और हम उसको भगवान के प्रसाद में भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट स्टेप में 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी घी, पहले घी को कढ़ाई में गरम किया, फिर 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला, फिर धीरे आंच पे उसको सेका 5 मिनट। वो जब सिक गया, उसकी खुशबू आने लगी, तब मैंने 1 कटोरी लगभग गुड़ जो बारीक काटा हुआ था उसको डाला और फिर से उसको सिकने दिया। तीनों मटेरियल को बरोबर मिक्स किया और थर्ड स्टेप में मैंने जब थाली को घी लगाया और फिर फोर्थ स्टेप में मैंने वो गरम मटेरियल को थाली में डाल के एक ऐसी कटोरी जिसमें फ्लैट बॉटम हो उससे दबाया ऐसे। और ये जो हमारा तावे था है उससे भी उसकी किनारी पैक की जिससे वो टूटे ना। अब हमारा ये सुखड़ी तैयार है, हम उसका छुरी से पीसीस करेंगे, पीसीस करके छोड़ देंगे क्योंकि अभी जब गर्म है तब पीसीस अच्छे पड़ेंगे। तो 5th स्टेप में हम उसके पीसीस करेंगे। दोस्तों, अनगलो रसोई की रंगत में आपने आज सुखड़ी सीखी है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी बनाइएगा। ये स्वीट है और भगवान के प्रसाद के लिए भी काम आता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। अनिल आश्रा,
फ्रॉम अन्ना ग्लो रसोई की रंगत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये जब थाली में अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है तभी हम उसको छुरी से पीसीस में कट लगाएंगे। अभी उसको निकालना नहीं है, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम पीसीस निकालेंगे, लेकिन कट पहले से लगा लेना है। तो सुखड़ी या गोड़ पापड़ी आप भी बनाइएगा, 5 मिनट में बन जाती है आइटम और खाने में अच्छी रहती है। और कभी कोई टूर प्रवास में गए तो साथ में ले जाओ, तो जिससे एक पीस खा लो तो एनर्जी आ जाती है। तो आप जरूर बनाइएगा, परिवार वाले को खिलाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।